हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम एस एडिट। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज का जो आप वीडियो देखने वाले हो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, राजस्थानी स्टेटस होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको जो बैकग्राउंड देख सकते हो गाइस, तो ये अभी मैं हमारा सेटअप पूरा कम्प्लीटली बन चुका है गाइस, और इसमें थोड़ा सा काम बाकी है गाइस लाइटिंग का। जो अभी आप लाइटिंग देख रहे हो ये क्या, जो नॉर्मल लाइट है, जो घर में जो लाइट है नॉर्मल, इसी की है। रिंग लाइट वगैरह अभी ऑर्डर की हुई है, तो वो पूरा कम्प्लीटली होने वाला सेटअप हमारा। तो देख सकते हो गाइस, अभी जो हमारा जो कंप्यूटर वगैरह पूरा कम्प्लीटली हो चुका है हमारा सेटअप। और इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी, हमारे ब्लॉग चैनल है जिस पे वीडियो आने वाला है, जिस पे मैं पूरा डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें हमारा पूरा सेटअप क्या क्या यूज़ किया हुआ हमने, कितना पैसा लगा हमारा पूरा सेटअप बनने में। और अभी थोड़ा सा काम बाकी, वो कम्प्लीटली हो जाएगा और उसके बाद में आपको इसी सेटअप पे हमारे को रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाली है आपको, ठीक है गाइस। तो यार गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखने वाला, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला। तो सबसे पहले तो आपने स्टेटस नहीं देखा होगा गाइस, तो स्टेटस दिखा देता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और हमारा ब्लॉग चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उस पर बहुत ही जल्दी हमारा सेटअप वीडियो आने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना चाहते हो आप हमारा सेटअप का, तो यार उस पर मैं बहुत जल्दी ब्लॉग चैनल पर दे दूंगा, तो जाके जरूर देख लेना गाइस। तो सबसे पहले आप स्टेटस दिखा देता हूँ गाइस, फिर आगे का प्रोसेस आगे दिखाते हैं। तो स्टेटस देखिए, तो है गाइस आज के स्टेटस आपको कैसे लगा? अगर स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के लाइक हम रखते गाइस 300 लाइक, तो पता गाइस आप कर दोगे तो दबा के लाइक कीजिएगा गाइस। तो चलो यार बिना डरे बताता हूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हो। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन। अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के बायो के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हमने जो भी यूज किया, बिटमार प्रोजेक्ट, सेके प्रोजेक्ट और बैकग्राउंड वगैरह, और जो भी हमने यूज किया सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यूज कैसे करना है इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो गाइस, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, लाइट मोशन। लाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के बायो के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, और ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा एमएस एडिट बिटमार प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा एमएस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना, इन दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो ठीक है ना, वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले बिटमार वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, तो सबसे नीचे आपको सॉन्ग मिल जाएगा। अगर ये सॉन्ग की आवाज़ बंद हो जाती है तो इस सॉन्ग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वो डाउनलोड कर लेना, ऐड कर लेना। कुछ उसके बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा होगा, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिरिक्स है जो अभी दिख नहीं रहे होंगे आपको, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड के अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका फोटो है, ठीक है गाइस। जो देखिए मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने गाइस फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, और देख लेता हूँ कौन कौन से फोटो लगाना है। तो सबसे पहले तो ये वाली फोटो मेरे को ऐड करना, तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी इस फोटो को आपको फुल स्क्रीन करना है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पर क्लिक करोगे तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद में ये फोटो आपको देगी, अभी यहाँ पे अभी इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और नीचे बैकग्राउंड के अंदर आपको ले जाके सेट करना है। सॉन्ग दिख रहा होगा गाइस, सॉन्ग के ऊपर लाके इसको रख, जो सॉन्ग के जस्ट ऊपर लाके इसको सेट कर लेना। उसके बाद में ये फोटो आपको इस बिट मार्क पर रखनी होगी गाइस, ठीक है, जो अभी आपने बैकग्राउंड के अंदर लगाया। तो इस फोटो पे आपको क्लिक करना, और इस वाले आइकन पे क्लिक करना, तो देखिए अब आपके लिरिक्स वगैरह भी दिखने लग जाएंगे, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है गाइस। तो आपके लिरिक्स वगैरह भी दिखने लग जाएंगे, और आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपके जो लिरिक्स भी दिखने लग जाएगा, बैकग्राउंड भी ऐड हो गया। उसके बाद अब आपको आगे आना गाइस, आगे इस बिट मार्क पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर से आपको बैकग्राउंड ऐड करना होगा। बैकग्राउंड ऐड करने के देखिए आगे जाओगे तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, अभी आपको यहाँ पे लिरिक्स है तो यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको दूसरा बैकग्राउंड ऐड करना होगा। तो इस बीट मार्क पे आ जाना पहले, तो 3:36 में प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको सेकंड बैकग्राउंड ऐड कर लेना। मैं ये वाला ऐड कर लेता हूँ, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन करना, तो थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस बैकग्राउंड को आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना होगा, तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और नीचे आपकी जो लिरिक्स है गाइस, लिरिक्स के नीचे ला के आपको यहाँ पे सेट कर देना आपका जो आपका सॉन्ग है इसके जस्ट ऊपर। तो देख सकते हो गाइस, अब आपको इस बैकग्राउंड को कहाँ तक रखना वो देख लो गाइस, आपके लिरिक्स कहाँ तक आ रहे हैं,
वहाँ तक देख लो। तो गाइस मेरे लिरिक्स आ रहे हैं इस बीट मार तक, ठीक है ना गाइस, इस बीट मार 12:34 पे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा बैकग्राउंड मतलब यहाँ तक लिरिक्स आ रहे थे, इस बैकग्राउंड को यहाँ तक करना होगा। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ तक आ जाएगा, जो देख सकते हो गाइस। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब जो आपके लिरिक्स है गाइस, इनके अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना होगा। इफेक्ट कैसे ऐड करना है कि यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और यहाँ पे ये वाला लेयर दिख रहा होगा आपको, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे, ठीक है ना, ये 4 नंबर पे ये वाला लेयर, ठीक है। इस लेयर पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसका अंतिम डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और जो जितने भी लिरिक्स है गाइस इनके सभी के अंदर आपको इस प्रकार से लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसका अंतिम डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देंगे गाइस, ठीक है। तो इस लिरिक्स के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। इसी प्रकार से आपको जितने भी लिरिक्स हैं इनके सभी के अंदर ये इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना। तो मैंने आपको केवल तरीका बता दिया, पूरी के अंदर करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखिए लिरिक्स पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पर करना होगा, ठीक है, जितने भी लिरिक्स है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको करने के होगा, यहाँ तक आपके जितने लिरिक्स सभी के अंदर इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट कर देना गाइस। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आगे फोटो ऐड करना होगा बिटमार्क के हिसाब से, वो अभी मैं बता दूंगा आपको एक फोटो ऐड करके, और ठीक है ना गाइस, और बाकी आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना, ओके गाइस। तो मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ तक आपका लिरिक्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको फोटो ऐड करना होगा इस बिटमार्क से, देखिए गाइस 12:34 के बाद से, ठीक है, यहाँ से आपको फोटो ऐड करना होगा। तो प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गाइस। तो देखिए मेरे को फोटो ऐड करना है, तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, फोटो को फुल स्क्रीन करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। अगले बिट मार्क पे जाना और पीछे के स्टार्ट काटना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना। इसी प्रकार से आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना गाइस, और यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे ऐड करोगे ना गाइस, तो वो फोटो आपको स्क्रॉल करके, जैसे मान लीजिए आपको जो भी फोटो ऐड करना है यहाँ पे, तो प्लस पे क्लिक करना, देखिए टाइमिंग देख लो गाइस 18:51, ठीक है। यहाँ पे फोटो ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करोगे, मीडिया पे क्लिक करोगे, और यहाँ से आपको जो भी फोटो ऐड करना है वो फोटो ऐड कर लेना गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको एक फोटो ऐड कर लेता हूँ, ये वाली फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, ओके गाइस। उसके बाद ये फोटो यहाँ तक ही गाइस, ठीक है। तो इस फोटो को इस बिट मार्क तक रखना होगा, इस बिट मार्क तक फोटो पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ तक आ जाएगी। अभी इस फोटो को आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करके ये चार लेयर दिख रहे होंगे, इन चारों लेयर के नीचे आप लाके इसको सेट कर देना, तो इस फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस, उसके बाद जो आगे फिर से बिट मार्क दिख रहे होंगे यहाँ पे फोटो ऐड कर लेना, ठीक है गाइस। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए गाइस, जो एक स्पीकर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए स्पीकर, ठीक है, इस स्पीकर के अंदर आपको एक इफेक्ट ऐड करना होगा। तो मैं इसके अंदर एक इफेक्ट लगाना है, कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और लास्ट के अंदर चले जाना, और यहाँ पे ये देखिए ये वाला लेयर रहेगा गाइस, इस लेयर पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाना, और जो स्पीकर ये पीएनजी है गाइस, ये वाली इस पे अगर पीएनजी, इस पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस स्पीकर के अंदर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो ये स्पीकर हल्का हल्का हिलता हुआ दिखेगा, जो देख सकते हो गाइस, जो देख सकते हो ये स्पीकर एकदम कंपन कर रहा है, जो देख सकते हो जैसे चल रहा है मान लो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी बिट मार्क रहेंगे ना गाइस, यहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना, तो मैंने आपको फोटो भी ऐड करके दिखा दी कैसे ऐड करना, तो मैं यहाँ पे सभी फोटो ऐड कर लेता हूँ फिर बता दो, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, ठीक है। सो ओके गाइस, देखिए मैंने सभी फोटो भी ऐड कर लिए, और यहाँ पे जो लिरिक्स है इन सभी के अंदर इफेक्ट भी ऐड कर लिया गाइस, जो देख सकते हो, ठीक है। सभी जो लिरिक्स है सभी के अंदर मैंने इफेक्ट ऐड कर लिया, और यहाँ पे आगे मैंने फोटो भी ऐड कर ली, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से फोटो ऐड कर लेना, और यहाँ पे मैंने दूसरी फोटो सेलेक्ट कर ली गई, जो देख सकते हो मैंने पहले कोई दूसरी फोटो ऐड करी थी, अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया, ठीक है गाइस। अब उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सभी फोटो ऐड कर ली एंड तक, ठीक है। अब इन फोटो के अंदर आपको इफेक्ट लगाना होगा, तो कौन सी फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा गाइस। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो यहाँ पे आ रही है गाइस, ठीक है, जो देख सकते हो 12:34 पे, ठीक है, इस जगह सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही मेरी, ये वाली। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है ये वाली, ठीक है। फोटो पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जहाँ से आपकी फोटो आ रही है गाइस, वहाँ पे चले जाना जहाँ पे आपकी फर्स्ट फोटो आ रही है, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट फोटो यहाँ पे आ रही है गाइस, ठीक है।
तो देख सकते हो गाइस मेरी फर्स्ट फोटो यहाँ पे आ रही है। फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो तक के कितनी फोटो तक लगाना है वो टाइमिंग देख लो गाइस। तो देखिए गाइस इस बीट मार्क से लेकर, ठीक है, तो टाइमिंग देख लो 12:34 सेकंड से लेके गाइस, और ये इफेक्ट आपको इस फोटो तक लगा देना यहाँ तक, ठीक है ना गाइस। ये देख लो, आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 18:51 सेकंड इस फोटो तक आपको, मतलब इस बीट मार्क तक आपको ये इफेक्ट पेस्ट कर देना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जितनी फोटो आती है सभी के अंदर। सो ओके गाइस, यहाँ तक आप इफेक्ट लगा लोगे, ठीक है ना गाइस, इस बीट मार्क तक आप इफेक्ट लगा लोगे एक नंबर वाला। अब इनके अंदर और इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ से फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इफेक्टर पेज को ओपन कर लेना गाइस, और जो ये आपकी फर्स्ट फोटो है इसके जस्ट नीचे दो लेयर मिलेंगे, एक और दो, इन दोनों लेयर को आपको कॉपी करना है। तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना है, तो राइट का ऑप्शन लग जाएगा, उसके बाद ऊपर वाले क्लिक करना है, उस पर भी राइट का ऑप्शन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना है गाइस, और जहाँ से आपकी फर्स्ट फोटो आ रही है वहाँ पे चले जाना गाइस। देखिए मेरी फर्स्ट फोटो कहाँ पे आ रही है, इस बीट मार्क से आ रही है, ठीक है, मतलब 12:34 सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, प्लस लेयर पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। तो ये दोनों लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, जो देख सकते हो गाइस। तो इस फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से डीजे वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगले बीट मार्क पे जाना है, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे फिर से ये इफेक्ट लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये इफेक्ट आपको कहाँ तक लगाना है तो देख सकते हो गाइस। और देखिए ये इफेक्ट यहाँ से लेके 12:34 सेकंड से लेके और यहाँ तक ये इफेक्ट लगा लेना गाइस, यहाँ तक इस बीट मार्क तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे इस बीट मार्क पे आओगे 18:18 सेकंड पे प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। और ये थोड़ा बहुत कम रहता है ना गाइस, आप ये इफेक्ट लगा लोगे बाद ये थोड़ा बहुत कम रहता है, तो इन लेयर पे आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, और स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सेकंड वाला लेयर है, इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड पर क्लिक करके इस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, ये भी यहाँ तक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये यहाँ तक आपको इफेक्ट लगा लेना 18:51 सेकंड तक, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद आगे जाओगे, ये वाली फोटो मैंने चेंज कर रखी थी गाइस इसके अंदर। अब इस फोटो के अंदर एक इफेक्ट और लगाना है, एक इफेक्ट तो ये आ ही रहा है इसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है, ये इफेक्ट एक आ रहा है, इसके अंदर एक इफेक्ट और ऐड करेंगे। तो यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस, और ये दो नंबर वाली फोटो दिख रही होगी, ये वाली फोटो पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद जो मैं बता रहा हूँ उस बीट मार्क पे चले जाना गाइस, जो मैं टाइमिंग बता दूंगा अभी आपको। तो इस बीट मार्क पे आ जाना गाइस, मतलब 18:51 सेकंड के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे फोटो मिलेगी गाइस इस बीट मार्क पे, तो आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइस, जो देख सकते हो गाइस, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगले बीट मार्क पे आ जाना गाइस, 20:54 सेकंड पे, ठीक है। अब इस फोटो, इस बीट मार्क पे ये वाली फोटो मिल रही है गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस तीन नंबर वाली फोटो रहेगी, ये वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बीट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस, और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। देखिए गाइस इस बीट मार्क पे आ जाना आपको 20:54 सेकंड पे। अब उसके बाद में फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देंगे। इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा, और ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना है वो टाइमिंग देख लो गाइस। इस बीट मार्क से लेके 20:54 सेकंड से लेके और आपको गाइस यहाँ एंड तक, ठीक है, एंड तक 27:09 सेकंड पे, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही है सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है गाइस। ओके गाइस, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस। अब इसके अंदर आपको बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा, तो बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बॉर्डर पीएनजी गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हूं, और देख ले तो गाइस कहाँ पे मेरा बॉर्डर पीएनजी, कौन सा मेरे को बॉर्डर पीएनजी ऐड करना गाइस, ठीक है। तो गाइस मेरे को ये वाला बॉर्डर पीएनजी ऐड करना है, तो बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर पीएनजी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, प्लस पे क्लिक करोगे तो एकदम ऑटोमेटिकली एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो देख सकते हो गाइस बॉर्डर पीएनजी। अब ये बॉर्डर पीएनजी गाइस यहाँ तक है, अब इसको एंड तक करना होगा, तो इसी लेयर पे आपको क्लिक करना बॉर्डर पीएनजी वाली पे, और इस प्रकार से आपको एंड के अंदर चले जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, तो ये बॉर्डर पीएनजी आपका एंड तक आ जाएगा। उसके बाद में अब इसके अंदर आपको लोगो ऐड करना होगा, लोगो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हूँ, और देख लेता हूँ कहाँ पे मेरा गाइस लोगो है। तो देखिए गाइस मैं देख लेता हूँ जल्दी से, तो ये रहा गाइस मेरा लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप भी कुछ इस तरह का लोगो एडिट करना चाहते हो, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है,
आई बटन में देख लेना, या फिर आपको यार चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देख लेना और इस तरह का आप लोगो बनाना सीख जाएगा ना, सीख जाना। और उसके बाद इसको लोगो को ऐड करना, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना, ये लोगो ऐड हो गया। उसके बाद इस लोगो को जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो, जहाँ पे भी इसको सेट करना चाहते हो, वहाँ पे आपको इसको सेट कर लेना। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये देख सकते हो गाइस ये लोगो का लेयर यहाँ तक ही गाइस। अब इसको भी एंड तक करना होगा, यहाँ तक ही है। अब इसको एंड तक करने के लिए इसी लोगो लेयर पे क्लिक करेंगे, एंड के अंदर चले जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, तो लोगो का लेयर गाइस एंड तक आ जाएगा। फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीटली बन जाएगा। अब इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो पे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन है वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे आ जाएंगे गाइस। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ। अगर आपके फोन में 1080 सपोर्ट नहीं कर रहा तो 720p रख लेना, ठीक है ना गाइस। उसके बाद में इसको फुल कर देना, क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस। तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी गाइस, ये पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी 100%। उसके बाद में सेव का बटन आ जाएगा गाइस यहाँ पे, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गाइस के अंदर सेव हो जाएगी।